दुनिया भर के लोग जब किसी पेंगुइन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यकीनन आपको भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन आज हम आपको पेंगुइन की जिंदगी के ऐसे डार्क साइड को दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पेंगुइन से बदतर जिंदगी शायद ही किसी और जीव की हो सकती है। एक ऐसा जीव जिसे अंडे से बाहर निकलने से लेकर किसी खतरनाक जानवर का शिकारी बनने तक हर पल उसे मौत का सामना करना पड़ता है। कभी -73 डिग्री सेल्सियस की खून जमा देने वाली ठंडी, तो कभी लाखों पेंगुइन के बीच फंसकर अधिकतर गर्मी की वजह से होने वाली मौत। अपने झुंड के पेंगुइन के द्वारा कभी किडनैपिंग, कभी रैगिंग, तो कभी जानलेवा हमला। यकीनन कुदरत किसी जीव को उसकी गलती की सजा देने के लिए पेंगुइन की जिंदगी देता होगा। एक पेंगुइन की जिंदगी में कठिनाइयों का दौर ठीक उसी वक्त शुरू होता है जब एक मादा पेंगुइन अपने पेट से एक अंडे को निकालती है। -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम के तापमान में जब पेंगुइन अपने अंडे को देती है तो अगर उसे कुछ सेकंड के लिए खुले में रख दिया जाए तो उसके पर बर्फ की परत जम जाती है और उसके अंदर मौजूद बच्चे की मौत हो जाती है। यही वजह है कि नर और मादा दोनों ही पेंगुइन को कुछ सेकंड के लिए भी अपने आप को अंडे से दूर नहीं करना होता है। हर वक्त अंडे को अपने आप से चिपकाकर उसके ऊपर बैठे रहना होता है ताकि उसे गर्मी मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि लगातार अपने अंडे पर बैठे रहने की वजह से नर पेंगुइन और मादा पेंगुइन भूख से बिलबिला उठते हैं। जब भूख सहन शक्ति से अधिक बढ़ जाती है तब पेंगुइन को अपने अंडे से दूर होकर अपना खाना ढूंढना पड़ता है, लेकिन आसमान में हर वक्त कुछ दरिंदे तैनात रहते हैं जो उसी पल के इंतजार में घूमते रहते हैं कि कोई पेंगुइन अपने अंडे से कुछ सेकंड के लिए दूर हो जाए। जैसे एक पेंगुइन अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने अंडे को छोड़कर कुछ सेकंड के लिए वहां से हटती है, उतनी ही देर में आसमान में उड़ने वाला कोई ना कोई दरिंदा आ जाता है और पेंगुइन के अंडे को अपने साथ ले जाता है और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। यही वजह है कि पेंगुइन को अपने अंडे की सुरक्षा करने के लिए उसे अपने दोनों पैरों के बीच बड़े ही प्यार से रखना पड़ता है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 65 से 70 दिनों तक पेंगुइन को अपने अंडों को उसी तरह दोनों पैरों के बीच संभाल कर रखना पड़ता है और उसके बाद एक नन्ना पेंगुइन एक खतरनाक प्रकृति के बीच जन्म लेता है। जन्म के बाद लगभग 6 महीने तक पेंगुइन अपने माँ बाप के साथ ही रहता है क्योंकि तब तक हर तरफ उसकी जान के दुश्मन मौजूद रहते हैं। कई बार ऐसा होता है जब छोटे पेंगुइन के माँ बाप शिकार की तलाश में कहीं दूर जाते हैं क्योंकि पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, और इसी बीच कई ऐसे शिकारी पक्षी होते हैं जो पेंगुइन के बच्चों को आसान शिकार के तौर पर देखते हैं। और एक पेंगुइन महज कुछ मिनट के लिए भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ता है तो कोई ना कोई उसका शिकार कर बैठता है, लेकिन फिर भी इतनी परेशानियों से बचते बचते बहुत से पेंगुइन बड़े हो ही जाते हैं। लेकिन पेंगुइन की जिंदगी की दर्दनाक कहानी यहाँ से और भी दर्दनाक हो जाती है। दुनिया भर के पेंगुइन जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का तापमान साल के अधिकतर वक्त 0 डिग्री से नीचे होता है और कई महीनों का वक्त तो ऐसा होता है जब इन इलाकों का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इतने तापमान में किसी इंसान को छोड़ दिया जाए तो महज कुछ मिनट के भीतर ही उस इंसान के शरीर में दौड़ने वाला खून बर्फ बन जाएगा और महज कुछ मिनट के भीतर ही उस इंसान की सांस हमेशा के लिए थम जाएगी। लेकिन पेंगुइन प्रकृति के इतने खतरनाक मार के बीच भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए मजबूर रहते हैं। दरअसल प्रकृति ने पेंगुइन की चमड़ी को इस तरीके से बनाया होता है कि वो ठंड को झेलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई बार ठंड इतनी अधिक होती है कि प्रकृति की सारी तैयारी भी कम पड़ जाती है और पेंगुइन के शरीर के ऊपर बर्फ जम जाती है। हर वक्त ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब किसी पेंगुइन की मौत उसके शरीर के जम जाने की वजह से हो जाती है। लेकिन पेंगुइन ने ठंड से बचने के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका ईजाद कर लिया। दरअसल जब भी इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है तब हजारों लाखों की संख्या में पेंगुइन एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से चिपक कर अपने सिर को नीचे की तरफ करके एक बड़ा सा मोहल्ला क्रिएट करते हैं। इतने बड़े इलाके में लाखों पेंगुइन जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि -70 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी कम पड़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वो पेंगुइन इस तरीके से एक दूसरे से चिपक कर मोहल्ला क्रिएट करते हैं तो ये इलाका कई किलोमीटर तक फैल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब लाखों की संख्या में पेंगुइन एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहते हैं और उनके ऊपर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, नजारा एकदम से दिल को थाम देने वाला होता है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि जब पेंगुइन एक साथ मिलकर इस तरीके से चिपक कर पड़े रहते हैं तो उस वक्त उनके अंदर का तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और बाहर के ठंड का कोई भी असर उन पर नहीं पड़ता। लेकिन खतरा उनका यहाँ भी साथ नहीं छोड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इतने अधिक पेंगुइन के इकट्ठे होने की वजह से जो पेंगुइन बीच में होते हैं अधिक गर्मी की वजह से भी उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, आर्कटिक के -70 डिग्री सेल्सियस के दौरान भी कई पेंगुइन की मौत अधिक गर्मी होने की वजह से हो जाती है। दरअसल होता यह है कि जो छोटे पेंगुइन होते हैं वो अपने माँ बाप के पैरों के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन रात के वक्त जब लाखों की संख्या में पेंगुइन एक दूसरे से चिपक कर पड़े होते हैं उस वक्त वे छोटे पेंगुइन के बीच अंदर बुरी तरह से दब जाते हैं और अंदर जरूरत से ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे एक कमरे में 100 लोगों को भर दिया जाए और उसमें कुछ छोटे बच्चे शामिल हों। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या हाल होता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि पेंगुइन भी तो मजबूर होते हैं, वे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे और ऐसा करने से उनके बच्चों की जान चली जाती है। कई बार तो ऐसा होता है जब उन लाखों की भीड़ में पेंगुइन के बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और अंत में जब वो मिलते हैं तब तक लाखों की भीड़ में दबने की वजह से उनकी मौत हो चुकी होती है। खैर, अब रूबरू होते हैं पेंगुइन की जिंदगी के अगले खतरनाक मंजर से। कई बार ऐसा भी होता है जब छोटे पेंगुइन के माँ बाप शिकार के लिए महज कुछ देर के लिए उनसे दूर हो जाते हैं और समुद्र में जाकर वो खुद ही किसी दूसरे जानवर के शिकार बन जाते हैं और कभी भी लौट कर वापस नहीं आते। ऐसी स्थिति में झुंड में रहने वाले दूसरे पेंगुइन्स बच्चे के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। झुंड के दूसरे पेंगुइन में लड़ाई छिड़ जाती है कि उस नन्हे बच्चों का माँ बाप कौन बनेगा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस लड़ाई की कीमत उन नन्हे बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, क्योंकि सभी पेंगुइन आपस में लड़ते हुए रह जाते हैं और वे बच्चे भूखे प्यासे ठंड की वजह से मर जाते हैं। हालांकि फिर भी जैसे तैसे बहुत सारे पेंगुइन बड़े हो जाते हैं और अब बारी आती है खुद बाहर जाकर शिकार करने की, और यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया और सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। जब पेंगुइन जमीन पर रहते हैं तो उनकी औसत भागने की रफ्तार महज 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन वो जैसे ही पानी के अंदर घुसते हैं पानी के अंदर उनके तैरने की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि उन्हें मछलियों का शिकार करने का एक्सपर्ट भी माना जाता है और पेंगुइन को मजबूरन अपना पेट भरने के लिए पानी के अंदर जाना ही पड़ता है। पेंगुइन तेज रफ्तार से तैरकर बड़ी आसानी से छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर उनका इंतजार एक और दानव कर रहा होता है जिसका नाम है समुद्री सील, जिसे आप समुद्र में रहने वाला खतरनाक कुत्ता भी बोल सकते हैं। सील भी जमीन पर आ सकते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी रफ्तार जो है बहुत ही धीमी हो जाती है। ये वजह है कि सील पानी के अंदर ही रहकर पेंगुइन के आने का इंतजार करते हैं, और जैसे किसी पेंगुइन का सामना समुद्र में रहने वाले इस दरिंदे से होता है एक झटके में ही पेंगुइन की सांस वहीं थम जाती है। समुद्री सील के साथ साथ समुद्र में रहने वाली शार्क की प्रजाति, यहाँ तक कि ब्लू वेल भी पेंगुइन को अपना आसान शिकार बना लेती है। एक पेंगुइन की जिंदगी इतनी खतरनाक होती है कि जब वे भोजन की तलाश में समुद्र में निकलते हैं तो उनके वापस आने के चांसेस सिर्फ 50% रह जाते हैं। अब हम आपको पेंगुइन की जिंदगी से जुड़े एक और दर्दनाक पहलू को बताते हैं। दरअसल पेंगुइन जो होते हैं वो पूरी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी बिताते हैं। यानी जवान होने के बाद जब कोई पेंगुइन अपने जीवन साथी को चुनते हैं तो वे पूरी जिंदगी उनका साथ निभाते हैं। अगर किसी कारण से जैसे कि एक पेंगुइन की जान चली जाती है तो दूसरा पेंगुइन अपने साथी की मौत की वजह से खाना पीना छोड़ देता है और अंत में बिना खाए कमजोर होने की वजह से पेंगुइन की मौत हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्मों में, टीवी में या फिर चिड़ियाघर में दिखने वाले सुंदर से पेंगुइन की जिंदगी वास्तव में कितनी खतरनाक होती है। यकीनन कुदरत जब किसी जीव को सजा देने के बारे में सोचता होगा तो उसे पेंगुइन की जिंदगी देता होगा। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है?